प्रदेश की लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर खुली पोल। बड़वानी जिला मुख्यालय पर महिला को महिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए भर्ती किया गया था, जिसके सीजर के बाद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि बार बार अस्पताल में मौजूद स्टाफ और डॉक्टरों को महिला की बिगड़ती तबीयत को लेकर सूचना दी गई, लेकिन वह हर समय मोबाइल में व्यस्त रहे और दूसरे की ड्यूटी शुरू होने के बाद कहकर पेशेंट को देखने से मना करते रहे। इसी लापरवाही के चलते नवजात को जन्म देने वाली महिला सपना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल में देर रात 2 बजे तक हंगामा किया। घटना के दरमियान स्टाफ सिविल सर्जन के साथ परिजनों ने जुमाझटकी भी हुई, जिसके बाद जिला महिला चिकित्सालय में पुलिस व SDM पहुंचे, जिनके द्वारा समझाइश दी गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि शासकीय अस्पताल होने के बावजूद उन्हें इंजेक्शन व दवा बाहर से लाना पड़ी। मृतिका सपना की बहन ज्योति, जो कि निजी अस्पताल में इंदौर में कार्यरत है, उन्होंने बताया कि अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं होने पर पेशेंट को रेफर कर दिया जाना था, लेकिन पेशेंट को सही समय पर रेफर नहीं करने से भी महिला की मौत हो गई है। बड़वानी से इमरान दिलावर खान की रिपोर्ट। हम कल से भर्ती कर रही थी मेरी सिस्टर को, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज भी हम 3 बजे से इनको बोल रहे कि मैम वो देख लो, सिलाइन देख लो, उसको ये घबराहट हो रही है या आपसे नहीं हो रहा है तो रेफर कर दो, इन लोगों ने करा नहीं। जैसा डिलीवरी प्लेट हुआ सीजर करा इन लोगों ने, तो इनसे नहीं हो रहा था तो ये रेफर कर सकते थे। अभी शांत हो गए, मेरी डेट हो गई, पूरी बात ये बताइए, डेट हो गई। ये मेरे जियाजी हैं। बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, उनको बोल से हुआ। उनको बोलते रहे हम कि सिलाइन चढ़ाओ, ये करो, तो मोबाइल में ध्यान दे रहे थे। और हमारी सिस्टर की आज डेट नहीं होती, अगर ये इनको केस नहीं हुआ इनसे, नहीं हुई थी, हार्ट की वो हो रही थी, इन्होंने सीजर करा, हाँ सीजर करा तो घबराहट में सिस्टर का चौहान मैडम है कोई, उनके द्वारा ऑपरेशन किसने करा? ये अभी थाने में सूचना प्राप्त हुई है कि सपना पति धर्मेंद्र, उम्र करीब 34 साल है महिला की, ये अस्पताल, महिला अस्पताल जो सरकारी महिला अस्पताल है उसमें भर्ती थी, उनका दिन में डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद अभी इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु होने की सूचना दी है। उस पर से पुलिस ने उनकी मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम किया है और जांच की जा रही है। सर परिजन किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? अभी ये जांच में है, परिजनों से पूछताछ नहीं हो पाई है, उनके बयान लेंगे तभी। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं? अभी उनके बयान नहीं हो पाए हैं परिजनों के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़वानी में डॉक्टर सुशीला चौहान और उनकी टीम ने मेरी दीदी का सीजर किया 1 से 2 बजे के बीच में। बॉडी में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 3.9 थे, ओनली 3.9 थे। एज भी 9 ग्राम था, जबकि एज भी 12 point something होना चाहिए, 12 ग्राम something होना चाहिए, जब आप ऑपरेशन कर सकते हो, है ना। और बेबी का वेट कम था, उसको पानी कम था, लाइकर्स डिलीवरी के टाइम पे 10 ग्राम होना चाहिए बॉडी में पानी, लेकिन उसको 6.4 ग्राम थे। तो मैडम ने ऐसे कैसे सीजर कर दिया, उसने रिस्क कैसे ले ली, रेफर क्यों नहीं किया? डॉक्टर सुशीला चौहान और उनकी टीम ने यहाँ पर सीजर किया और जितने नर्सिंग स्टाफ थे यहाँ पे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरी सिस्टर नहीं रही। क्या आखिरी में जो स्थिति बनी थी, डॉक्टर लोगों का क्या रवैया था? सब अकड़ रहे थे, किसी ने ठीक से बात नहीं की, ना सिस्टरों ने ना डॉक्टर ने। क्या प्लेटलेट काउंट कम आ रहे, 3.9 आ रहे, तो घबराहट तो होगी ना ऑब्वियसली इंसान को। उसका एज भी कम था, ठंडी पड़ गई थी, ठंडा पसीना आ रहा था। आईवी चल रही थी, लेकिन प्लेटलेट काउंट्स कम आ रहे थे, तो उसको यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या यहाँ जो सुविधाएं होना चाहिए वो दिख रही है? बिल्कुल नहीं है। 3-3 रुपए के इंजेक्शन हमने बाहर से लाके लगाए। क्या सुविधा होना चाहिए जिससे ये पेशेंट की जान बच सके? ICU होना था यहाँ, ICU में रेफर करने लायक पेशेंट थी, ICU में रखते, वेंटी पे रखते, वेंटिलेटर नहीं है, ICU नहीं है यहाँ पे, वार्ड में रखा है इतने सीरियस पेशेंट को। ये भी सर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बच्ची को इन्होंने दे दिया, ICU में रखा, उसके बाद उसको ठंड लगी, मैं बुलाने गया मैडम को,
उसके बाद भी वो आए नहीं दो बार। मैंने सर मैडम ठंड लग रही है। उसके बाद एक सिस्टर आई, उनने इंजेक्शन लिखा, मैं लाया। फिर उसके बाद उसको घबराहट हो रही थी, मैं और बुलाने गया, मैडम आप देख लीजिए, तो वो मोबाइल में बिजी है, मेरी ड्यूटी नहीं है, वो दूसरी आ रही वो देखेगी। मैडम ड्यूटी कोई की भी होती है, मैंने आप देख लीजिए, 3 बार बुलाने गया सर, कोई नहीं आया जब तक। फिर उन्होंने अभी मेरे को 2 इंजेक्शन लिखे थे 1 घंटे पहले, उसके बाद उसकी स्थिति ये बिगड़ी है, 185 के 2 इंजेक्शन आए हैं। वो मेडिकल से मैं चिट्ठी तो इनको दे दी है मैंने, वो इंजेक्शन में ला के बता सकता हूँ। सीजर हुआ था 2:30 के लगभग। तबीयत तो सर 3 बजे से ख़राब है, मैं 3 बजे से चिल्ला रहा हूँ, वो मोबाइल में बिजी है, कोई आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो मैडम आ रहे हैं, वो नर्स आ रही है, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, वो आएगी ये आएगी, सब ऐसे ही पिक्चर चल रही है टोटल। कोई नहीं सर, मैंने हाथ तक जोड़ लिया मैडम, मैं 3 बार आ गया हूँ, मैंने हाथ जोड़ दिया 3री बार में, मैडम देख लीजिए, मैंने आपकी ड्यूटी नहीं है तो महिला मेरी पत्नी है, वो सपना भावसा, हाँ बच्चा तो फर्स्ट है, लड़की मेरे को खुशी है, मेरे को लड़की चाहिए थी, मैं पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बाटी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, कोई लोड नहीं लिया सर। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, कोई ये सब फालतू दिखावा है, वाह वाही है, पर यहाँ कोई लोड लेने वाला काम नहीं है। मैं 3 बार सिस्टर को बुलाने गया, वो मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल में बिजी मतलब नर्सों की लापरवाही है जी सर। अगर वो टाइम पर आ जाते तो आज ये स्थिति नहीं, अगर वो बोल देते इंदौर रेफर करो तो हम तो सक्षम है कि इंदौर भी ले जाते हैं। इंजेक्शन लगाए तो हाँ, 2 इंजेक्शन लगाए थे, उसके बाद ही स्थिति बिगड़ी है। बाहर से मंगाए थे क्या? हाँ बाहर से, टोटल इनने इंजेक्शन बाहर से ही मंगाया, 3 रुपए का इंजेक्शन भी इनने बाहर से मंगवाया, 3 रुपए 9 पैसे का इंजेक्शन भी इनने बाहर से मंगवाया मेरे से, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं दिया, 3 रुपए 9 पैसे का इंजेक्शन भी मैं बाहर से लेकर